नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन की। फाइंड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेविगेशन पैनल यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस नेविगेशन पैनल में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको हेडिंग नज़र आएगा। इस हेडिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हुई हैं वो सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जिस भी हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस हेडिंग पर पहुँच सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पेजेस का। पेजेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी पेजेस हमने इस डॉक्यूमेंट में ले रखे हैं वो सभी पेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो उस पेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप वन पेज टू अनदर पेज आसानी से पहुंच सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट का एक ऑप्शन। इस रिजल्ट में आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है कि टेक्स्ट कमेंट्स पिक्चर्स वर्ड कैन बी फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को ऐड करना है यानी उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं योर। जैसे हमने योर टाइप किया तो आप देखेंगे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर योर लिखा होगा वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, यानी वो सभी वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी योर्स है और यहाँ पर भी योर्स है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो सभी पैराग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिस पैराग्राफ में योर का यूज़ किया गया है। तो आप जिस भी पैराग्राफ को फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्टली उस पैराग्राफ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसी पैराग्राफ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली नेविगेशन पैनल का यूज़। इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप फाइंड पर जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडवांस फाइंड का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर फाइंड का आएगा। इस फाइंड में जो हमने वर्ड फाइंड किया था वो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे यही वर्ड दोबारा से फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं जा करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे एक एक करके उस जगह पर ले जाएगा जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हाइलाइट्स वाले सेल पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर हाईलाइट ऑल पर क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से वहाँ पर डॉक्यूमेंट मेरा हाईलाइट हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरा डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड इन का ऑप्शन है। फाइंड इन में सबसे पहला ऑप्शन है करंट सिलेक्शन। अगर आपने कोई सिलेक्शन लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी में से डॉक्यूमेंट को फाइंड करना तो आप करंट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेन डॉक्यूमेंट है। आप पूरे डॉक्यूमेंट में से कहीं से भी कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर सिर्फ कमेंट में से आप किसी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में हमने जो भी कमेंट लगाया होगा ये सीधे हमें उसी जगह पर रिप्रेजेंट करा देगा यानी उसी जगह पर पहुँचा देगा। तो आप फाइंड इन यानी इस कमेंट में से कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लेंगे अपना मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर अब चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस ऑप्शन की। रिप्लेस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फाइंड वर्ड यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है। अब यू की जगह पर मुझे मान लीजिए रिप्लेस में योर लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं योर टाइप करूँगा और रिप्लेस ऑल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 139 रिप्लेसमेंट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। 139 रिप्लेसमेंट पर जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर यू लिखा था उसको इसने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर योर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब आप एक एक करके अगर रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ से एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले योर को फाइंड करते हैं और योर को फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम रिप्लेस वर्ड में रख देते हैं यू और उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं फाइंड नेक्स्ट। जैसे हमने देखा यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया वो डेटा और यहाँ से जैसे मैं रिप्लेस करूँगा तो आप देखिए एक वर्ड हमारा यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो एक एक करके अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा और रिप्लेस ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में आपका योर लिखा होगा उसकी जगह पर यू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू। गो टू में सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेज का। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी पेज पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया 10 नंबर पेज और जैसे हम यहाँ पर गो टू पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे 10 नंबर पेज पर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पेज नंबर 10 ऑफ 18 यानी टोटल पेजेस हमारे पास 18 है और हम 10 नंबर पेज पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पेज डायल करके ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शंस बनाए हुए हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप उस सेक्शन को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहाँ पर नेक्स्ट करके उस जगह पर जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी लाइन पर जाना चाहते हैं तो लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी लाइन पर आपको जाना है उस लाइन को यहाँ पर उस नंबर को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर 22 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गो टू पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली 22 नंबर लाइन पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से किसी वर्ड को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस वर्ड के ऊपर हम बुकमार्क लगा देते हैं। मान लीजिए हमने अवेलेबल को सिलेक्ट किया और अवेलेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुकमार्क का एक ऑप्शन और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ए और ए को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और उसके बाद होम टैब में जा करके वापस से हम फाइंड वाले वर्ड को क्लिक करते हैं, एडवांस फाइंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं गो टू ऑप्शन पर। गो टू पर जाने के बाद यहाँ से आपको बुकमार्क सेलेक्ट करना है। बुकमार्क में यहाँ पर ए बी सी जितने भी आपने बुकमार्क लगाए होंगे वो सारी आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। उस वर्ड को सेलेक्ट करके जैसे आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी कमेंट पर जाना चाहें तो कमेंट को सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो जो भी आपने कमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने फुटनोट का यूज़ किया हुआ है, एंडनोट का यूज़ किया हुआ है या किसी फील्ड या किसी पिक्चर का यूज़ किया हुआ है तो डायरेक्टली आप उस जगह पर यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो फुटनोट के लिए बताऊँ, फुटनोट के लिए आपको यहाँ से जाना होगा रेफरेंस टैब के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुटनोट का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटनोट आपका लग चुका है। इसमें जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं वापस से होम टैब पर और यहाँ से चले जाते हैं फाइंड वाले ऑप्शन पर और यहाँ से चले जाते हैं गो टू पर। गो टू पर जाने के बाद यहाँ पर हमने फुटनोट को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो हमें यहाँ पर जंप करा देगा। तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस की मदद से वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पर जंप कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे फाइंड रिप्लेस गो टू का ऑप्शन। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी दी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का। सेलेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा हमने इस पेज पर बनाया होगा वो सभी का सभी एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई पिक्चर ली हुई है या फिर कोई ग्राफिक लिया हुआ है, कोई इमेज ली हुई है या फिर कोई भी शेप ली हुई है तो डायरेक्टली ये आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ। बेसिकली हमारा डेटा इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने ये जो डेटा लिया है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हमने नेट से इसको डेटा को उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम कोई पिक्चर यहाँ पर खुद से इंसर्ट कर लेते हैं तो इंसर्ट में जा करके यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर हम चले गए और डेस्कटॉप से हमने एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर ली। मान लीजिए ये पिक्चर हमने यहाँ से इंसर्ट कर ली। इस पिक्चर को लेने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग करा देते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस पिक्चर को कहीं पर भी रख देते हैं। इसके अलावा इंसर्ट टैब में जाकर के हम यहाँ से कोई शेप भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम जाकर के सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा देखेंगे आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब यहाँ पर अगर आपका सिमिलर फॉर्मेटिंग का डेटा आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली डेटा को सिलेक्ट किया। इस वाले डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम गए सेलेक्ट ऑप्शन पर और यहाँ पर ले लिया हमने सेलेक्ट ऑल सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग थी वो सभी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ आप नीचे आइए, नीचे आकर के अगर आप देखेंगे तो नीचे आने के बाद भी ये टेक्स्ट भी हमारा सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये सिमिलर फॉर्मेटिंग है, यानी कि मिलता जुलता है। तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी वो आप यहाँ पर ईजिली इस ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेलेक्ट पेंट्स का। इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर श्योर हाइट का एक ऑप्शन है और यहाँ पर पिक्चर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो पिक्चर हमने यहाँ पर अभी इंसर्ट की थी उस पिक्चर को यहाँ से आप चाहें तो शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अपनी पिक्चर पर वापस चले जाते हैं तो जैसे हम पिक्चर या रेक्टेंगल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे तीनों पिक्चर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। पहले जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल है, इस पर जैसे हम हाइड करेंगे इसको तो रेक्टेंगल हमारा हाइड हो जाएगा।
यहाँ से पिक्चर को अगर हम हाइट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे पिक्चर भी हमारी हाइट हो जाएगी, और यहाँ पर पिक्चर 16 जो नज़र आ रहा है वो इसके अंदर जो भी पिक्चर हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इस तरीके से आप अगर इसको हाइट अनहाइट करना चाहें तो यहाँ से शो पर क्लिक करेंगे तो शो हो रहा है, हाइट करेंगे तो हमारा डेटा हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एडिटिंग ब्लॉग, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।